उसका शरीर इंसान को जबा जाने वाले तीन भयानक जानवरों से मिलकर बना था। वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक दंडनायक था। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन प्राचीन इजिप्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुनी है। आइए जानते हैं प्राचीन इजिप्ट के बारे में ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक बातें जो उसे दूसरे देशों से अलग करती है। इजिप्ट के लोग जानवरों से प्यार करने वाले होते थे, खासकर वो बिल्लियों को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी पूजा करते थे। जब भी कोई बिल्ली मरती थी तो अपने आँखों के बोहे काट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। ये उनका अपना धार्मिक तरीका था। अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलती से कोई भी बिल्ली मारी जाती थी तो उस व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। उसे जहरीले सांपों से डसवाया जाता था। मरने के बाद इन बिल्लियों की मम्मी बनाई जाती थी और उनके कब्र में एक चूहे की मम्मी और एक कटोरा दूध भी रख दिया जाता था। सन 1888 में जब कुछ किसानों ने इजिप्ट के इस कब्रिस्तान में खुदाई की तो उन्हें वहां से 80,000 बिल्लियों की मम्मीज मिली थी। रेगिस्तान के बीच में इजिप्ट के पिरामिड का बनाया जाना ये कई लोगों को बस एक इत्तेफाक लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इजिप्ट के पिरामिड पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में बने हैं। यानी इजिप्ट के लोगों को ये बात पता थी, और क्या उस वक्त भी उन्होंने ऐसी नायाब तकनीकें खोज ली थी, ये आज भी एक सवाल है। इजिप्ट के लोगों के पास ऐसा कोई नक्शा नहीं था जिससे वो जान पाते कि अर्थ का सेंटर कहाँ है, इसलिए पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो इस दुनिया के बारे में और क्या क्या जानते थे। इन पिरामिड्स के पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में बना होना ये अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। दुनिया में बना कोई भी आर्किटेक्चर गीजा के पिरामिड से ज़्यादा रहस्यमय नहीं है, जिसे आज से लगभग 4,000 साल पहले बनाया गया था। ये 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना है और हर पत्थर का वजन 2 टन से ज़्यादा है। इन पत्थरों को ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा गया है। इस पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर यानी 481 फीट है। सन 1310 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्किटेक्चर नमूना था। सन 1310 में लिंकन कैथेड्रल बनाया गया था जो 520 फीट ऊंचा था, लेकिन इतने सालों पहले इन पिरामिड्स को इतने परफेक्शन के साथ बनाया जाना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। फैराओ प्राचीन इजिप्ट का सबसे बड़ा शासक था। लोग उसे भगवान का बेटा मानते थे। फैराओ का वंशज पेपी द्वितीय वो 94 सालों तक जिंदा रहा। इजिप्ट में उस वक्त ज़्यादा खतरा मक्खियों और कीड़ों से होता था, क्योंकि वो इधर उधर जर्म्स फैलाते थे जिससे लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती थी। इसलिए अगर आप मक्खियों से बच गए तो आप लंबे समय तक जिंदा रहोगे। इजिप्ट के पिरामिडों में एक भी खिड़की नहीं है, इसलिए गुलामों के शरीर पर शहद का लेप करके उन्हें पिरामिड के आसपास खड़ा कर दिया जाता था, जिससे मक्खियाँ उनसे चिपक कर मर जाती थी। कुछ लोगों को लगता है पेपी की लंबी उम्र का भी यही राज था कि वो मक्खियों से दूर रहते थे। इजिप्ट की मैथोलॉजी में स्फिंक्स ये शब्द बहुत प्रचलित था, जो एक हाइब्रिड जीव का नाम था जिसका सर फराओ की तरह और बॉडी शेर की थी। इस स्कल्पचर की एक खास बात यह थी कि इसे एक सिंगल ब्लॉक से खुरेद कर बनाया गया था। ये स्कल्पचर गीजा के पास में स्थित कायरो नामक शहर में है, जिसे आज से 4,500 साल पहले बनाया गया था। ये मूर्ति 20 मीटर ऊंची और 74 मीटर चौड़ी है, लेकिन उस हाइब्रिड मूर्ति को बनाने का क्या उद्देश्य था, ये किस संदर्भ में बनाया गया था, यह आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाया है। इजिप्ट के लोग बोने और विकलांग लोगों की भी काफ़ी इज्जत करते थे। वहाँ पर एक ड्वार्फ गॉड की भी पूजा की जाती थी। बोने और विकलांग लोगों को वहाँ पर सोने के सिक्के संभालने और उन्हें मैनेज करने जैसा महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जाता था। इजिप्टियंस भी आज ही की तरह इस बात में विश्वास रखते थे कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई बुराई, प्यार और नफरत। वो ये भी मानते थे कि इन दोनों पहलुओं के छोर सेम स्केल पर होते थे, बस उनके लेवल्स अलग अलग होते थे। इसलिए जहाँ गर्म है वहाँ ठंडा भी है, यानी ठंडा और गर्म ये तापमान के ही दो रूप हैं, उनके बीच केवल वाइब्रेशन का अंतर है। इजिप्टियंस भी इसी सिद्धांत पर चलते थे। उनका ये भी मानना था कि रोशनी की शुरुआत अंधकार से नहीं होती है, अंधकार और रोशनी दोनों ही अलग अलग लेवल्स पर मौजूद होते हैं। हम एक समय में बस एक ही चीज़ का अनुभव कर पाते हैं।
और रही बात मोरालिटी की, तो इजिप्ट के लोग काफ़ी नैतिकतावादी होते थे। वो इंसाफ और नैतिकता में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि गुनहगार को सजा और अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार मिलना चाहिए। वो ये भी जानते थे कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। इजिप्ट के लोग एक ऐसे डरावने और भयावह जीव को मानते थे जो तीन जानवरों से मिलकर बना था, शेर, मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा। ये तीनों ही इंसान के भक्षक होते हैं। इसे उन्होंने एमिट नाम दिया था। और जब इन तीनों की ताकत साथ में मिलती है तो ये दुनिया के सबसे भयानक जीव बन जाते हैं। हालांकि उन्होंने इसे कभी भी एक भगवान नहीं माना था, लेकिन वो ये मानते थे कि जिंदगी भर बुरा काम करने वाले लोगों का भक्षण एमिट करता है। पहले के समय पर एसी ना होने की वजह से लोग कपड़ों को पानी में भिगोकर घरों की खिड़की पर सुखा देते थे, इसलिए कमरों में बाहर से ठंडी हवा आती थी जो एक प्राकृतिक एसी का काम करती थी। कहते हैं इसकी शुरुआत इजिप्ट के लोगों ने ही की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इजिप्ट के पिरामिड में सबसे खास और रहस्यमय बात यह देखी गई है कि वहाँ एक भी खिड़की नहीं है, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये तापमान ना तो इससे ज़्यादा बढ़ता है और ना ही कम होता है, जबकि पिरामिड के बाहर का तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन ये मिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती है। पिरामिड के अंदर का तापमान पृथ्वी के आंतरिक तापमान के बराबर है। आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या सच में प्राचीन इजिप्ट के लोग तकनीक और ज्ञान में बहुत आगे थे? इजिप्ट के कैलेंडर्स भी हमारे आज के कैलेंडर से बहुत अलग होते थे। हमारे कैलेंडर्स में एक महीने में 30 दिन होते हैं, इजिप्ट के कैलेंडर में भी 12 महीने और 30 दिन तो होते ही हैं, लेकिन एक महीने को वो 3 दशक यानी 10-10 दिनों में विभाजित करते थे। उनके कैलेंडर्स दिनों के हिसाब से कम और मौसम के हिसाब से ज़्यादा बने होते थे। जैसे मध्य जुलाई से मध्य नवंबर तक बाढ़ का मौसम, नवंबर से मार्च वर्षा का, और मार्च से जुलाई का सबसे कम वर्षा वाला मौसम गिना जाता था। इजिप्टियंस गणित के सिद्धांतों में भी बहुत पारंगत थे। उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए कई नायाब तरीके खोज रखे थे। इसका एक उदाहरण है अबू सिंबल के टेंपल में स्थित अभयारण्य। यहाँ एक जगह को इस तरह से बनाया गया है कि हर साल 2 बार सूरज की रोशनी फराओ गॉड्स अमून के चेहरे पर प्रकाशित होती है। वहीं पता का चेहरा हमेशा अंधेरे में ही रहता है। साल के इन 2 दिनों में से एक दिन फराओ का जन्मदिन है और दूसरा उनकी ताजपोशी का दिन। इसके साथ ही प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने में भी किया जाता था, जैसे क्रीम, शहद और जीरे के साथ टिड्डे का जूस मिलाकर उससे फेफड़ों की गंभीर बीमारी की दवा बनाई जाती थी। यानी वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित हो चुके थे। इसके अलावा उन्हें सजने संवरने का भी बहुत शौक था। उनका अपना खुद का एक मेकअप होता था जिसे वो सुंदर दिखने के लिए करते थे। तो ये थी वो कुछ रोचक बातें जो कई लोग प्राचीन इजिप्ट के बारे में नहीं जानते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।